संगत कैसी जानिए, जिथे को नाम बखानिए। सत संगत कैसी जानिए, जिथे को नाम बखानिए। सत संगत कैसी जानिए, जिथे को नाम बखानिए। संगत कैसी जानिए, जिथे को नाम बखानिए। सत संगत कैसी जानिए, जिथे को नाम बखानिए। जिथे को नाम बखानिए, कैसी जानिए, जिथे को नाम बखानिए। सत संगत कैसी जानिए, जिथे को नाम बखानिए। जानिए, जिथे को नाम।
संगत कैसी जानिए, जिते को नाम वखाणिए। सत संगत कैसी जानिए, जिते को नाम वखाणिए। संगत सतगुर पाइए, सत संगत सतगुर पाइए, सत संगत सतगुर पाइए, सत संगत सतगुर पाइए। तहनिस शब्द साला इस शब्द सलाह है, इस शब्द सलाह है, इस शब्द सलाह है, इस शब्द सलाह है, इस शब्द सलाह है। सत संगत कैसी जानिए, जिथे को नाम
सतगुर पुरख हर त्यांदा सतगुर पुरख हर त्यांदा सतगुर पुरख हर सतगुर पुरख हर त्यांदा सतगुर पुरख हर त्यांदा सतसंगत सतगुर पाए सतसंगत सतगुर पाए सतसंगत सतसंगत सतगुर सेव दे सतसंगत सतगुर सेव दे सतसंगत सतगुर सेव दे सतसंगत सतगुर सेव दे हर मेले गुर
सत संगत कैसी जानिए,
राम मेरा मन, राम मेरा मन, राम मेरा मन, राम मेरा मन। राम मेरा मन, 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 राम मेरा मन। हर से तिराते, हर से तिराए, हर से संगत मिल राम रस पाया, सत्संगत मिल राम रस पाया, सत्संगत मिल राम रस पाया, सत्संगत मिल राम रस पाया। हर राम नाम समाते, हर राम नाम समाए, हर राम समाते, हर राम नाम समाते, हर राम नाम समाते। सत्संगत कैसी जानिए, जिथे को नाम बतानिए, सत्संगत कैसी जानिए, जिथे को नाम बताणिए, सत्संगत कैसी जानिए, जिथे को नाम बताणिए, जिथे को नाम बताणिए, जिथे को नाम बताणिए, जिथे को नाम बताणिए। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह फरमा रहे हैं इस इन पंक्तियों में, सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी चीज को शॉर्ट में बताना हो ना, वन लाइन, सत्संगत क्या है, गुरु नानक पातशाह ने बता दिया। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, गुरु नानक पातशाह ने
एक पंक्ति में क्लियर कर दिया कि सत्संगत वो है जहाँ पर नाम जपा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कोई जगह सत्संग नहीं है, जहाँ पर नाम जपा जाता है वो सत्संग है, चाहे दो लोग बैठे हों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच का संग नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सत संगत। एक्चुअली में ना हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड लोग हैं, गलत फहमियों के शिकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सत्संगत की जो महिमा में इतनी बारीक महिमा है ना, इसके कई पहलू हैं सत्संगत के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच पूछिए तो हमें सत्संग करना ही नहीं आया, सत्संगत करनी भी नहीं आई, अगर गुरु साहिब जी के हिसाब से चले तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप किसी देश में जाते हो तो उसके कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका के कानून के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। वहाँ राइट हैंड ड्राइव है तो आपको राइट हाथ में गाड़ी चलानी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो लेफ्ट हैंड चलना पड़ेगा आपको। जैसा कानून होता है वैसे रहना पड़ता है। हर स्टेट का कानून भी अलग अलग है, किसी स्टेट में शराब बैन है, किसी में बैन नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसा कानून होता है वैसा फॉलो करना पड़ता, नहीं तो सजा है। सत्संगत के भी कानून है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कानून की पालना नहीं करते, कर्मी अपो अपनी के नेड़े के दूर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर्यादा का फॉलो करेंगे तो गुरु के पास आ जाएंगे। मर्यादा को निखेधी करेंगे, मर्यादा को अनदेखा करेंगे, गुरु से दूर हो जाएंगे। कानून है सत्संगत के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बारीक प्रकरण है, बड़ा ही बारीक, और इसके कई पहलू आते हैं। सत्संगत में कई कुछ आता है, सेवा भी आती है सत्संगत में, नाम भी आता है। सबसे पहला अक्षर नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी, जितने वेद शास्त्र सिमृतियां एक ही बात पर जोर देती हैं। नाम सिमृत वेद पुराण पुकारण पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। नाम के बिना सब कूड़ है, पसारा है, झूठ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कोई कुछ भी कर ले, बिना नाम के झूठ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत कितनी जरूरी है, सत्संगत की क्या महिमा है, क्या वैल्यू है, भाई गुरुदास जी इन पंक्तियों में समझा रहे हैं। श्रवण कीजिए, बड़ी ध्यान से आज के प्रकरण को सुनिएगा, बड़ी ध्यान से। सम सरवर से स्वांत बूंद, भाई साहब भाई गुरुदास जी। सम सरवर से स्वांत बूंद, जो सबनी थाई जल अंदर जल होए, मिले धरती बह पाई। किरख बिरख रस कस कणे, फल फूल सहाय। केले विच कपूर होए, शीतल सुखदाई। मोती होवे सिप मुँह, बहुमोल मुलाई। बिसियार दे मुह कालकूट, चितवे बुरियाई। आपे आप वर्तदा सतसंग सुभाए, सतसंग सुभाए, सतसंग सुभाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरुदास जी मिसाल दे रहे हैं कि सत्संगत क्या है। बरसात हो रही है, बारिश का पानी तो एक समान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खारे पानी में गिरी बरसात तो पानी खारा हो गया, मीठे पानी में गिरी तो मीठा हो गया। सीप के मुंह में पानी गिरा मोती हो गया, सांप के मुंह में गिरा जहर हो गया। भाई साहब भाई गुरुदास जी उदाहरण देके समझा रहे हैं। केले के पत्ते पर गिरा कफूर हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
भाई साहब गुरुदास जी कह रहे हैं, हम इंसान हैं, जैसी संगत में बैठेंगे वैसे हो जाएंगे, ये लाजमी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए अगर गुरु को पाना है तो गुरु के चरणों में बैठ, और वो एक ही स्थान है, वो है सत्संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैस जिसके पास बैठेगा वैसा हो जाएगा, गुरु नानक के पास बैठेगा गुरु नानक तुझे अपने जैसा बना देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझाते थे, पारस तो लोहे को सोना करता है, गुरु एक मिसाल है जो अपने जैसा पारस ही बना देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई लैना ने संगत की, गुरु नानक ने उसे क्या बना दिया, दूसरे गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने सेवा की, क्या बन गए, तीसरे गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने से कम नहीं बनाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत पे ध्यान दो, भाई गुरुदास जी कह रहे हैं पानी वही है बरसात का, जैसी संगत मिल रही है वैसा वो होते जा रहा है। सीप की संगत मिली मोती बन गया, सांप की संगत मिली जहर बन गया। कहने लगे गुरु की संगत कर लिए सत्संगत में आके। गुरु नानक कहने लगे, भाई साहब गुरुदास जी आखिरी पंक्ति में कहते हैं, आपे आप वर्तता सत्संग सुभाई, भगवान हर कण कण में है पर प्रकट है सत्संग में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत कर ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोर की संगत करेगा चोर बन जाएगा, शराबी की संगत करेगा शराबी बन जाएगा। गुरु की संगत कर ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हम घटिया से घटिया भी हुए, हम संत तो फिर भी बना देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सज्जन ठग सज्जन संत बन गया, गुरु नानक पाशाह ने एक मेरी बड़ी निगाह से देखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए पर सत्संगत कौन सी, सत्संगत किसे कहा है, सत्संगत कैसी जानिए, जिते को नाम बखानिए। 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 जिते को नाम बखानिए, जिते को नाम बखानिए। जिते को नाम बखानिए। सत्संगत कैसी जानिए, जिते को नाम बखानिए। सत्संगत कैसी जानिए, जिते को नाम बखानिए। सत्संगत कैसी जानिए, जिते को नाम बखानिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई रे हर हीरा गुरमा है, सत संगत सतगुरु पाए ऐन शब्द साला है। सत्संगत में हीरा छिपा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह अपनी वाणी में कह रहे हैं, सत्संगत में हे मेरे भाई, सत्संगत में हीरा छिपा हुआ है। कौन सा हीरा, नाम का हीरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत सतगुरु पाए ऐन शब्द साला है। तू यहाँ पर बैठ के जाप करेगा, गुरु तुझे नाम की दात बख्श देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि नाम की दात क्या होता है। दास पहले भी बता चुका है, पर बहुत सारी नई संगत है, कमेंट्स में कम से कम 10-12 लोगों ने पूछा है, नई संगत जुड़ती है शायद, कि नाम की दात किसे कहते हैं। शॉर्ट में दास बताता है, फिर आगे बढ़ते हैं। नाम की दात, बात बीच में आगे दास इसलिए ले रहा है, हम अक्सर कहते हैं अपने नामदान लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नामदान लेना और बात है, नाम की दात और बात है। ये कहने की एक लाइन बन गई है, नामदान लिया है। नामदान जब मिल जाता है ना, वो अवस्था है शिखर की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर सीसीटीवी कैमरा लग जाता है यहाँ पर कि गुरु नानक हमेशा साथ में ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूलता नहीं, विसरता नहीं। अखंड सिमरन, अखंड जाप, जिसकी बात कर रहे थे ना,
नदर करिए ता सिमरिया जाए। सिमरन 24 घंटे हर श्वास से शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं नाम की दात। गुरु हमेशा साथ दिखाई देता है, जीवन में से पाप मुक्त हो जाता है, क्योंकि जब गुरु नानक देख रहा है आदमी कौन सा गलत काम करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की दात एक अवस्था है, कौन सी अवस्था, कि हर वक्त गुरु साथ में है, श्वास श्वास सिमरन चल रहा है, उसे कहते हैं नाम की दात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सतगुरु पुरख हर त्याइंदा, सत संगत सतगुर पाए, सत संगत सतगुर सेव दे, हर मेले गुर मिलाए। गुरु रामदास जी फरमा रहे हैं सतगुरु पुरख हर त्याइंदा, सत संगत सतगुर पाए। सत संगत में बैठ के जब कोई नाम जपता है ना, गुरु को भा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन है बड़े कमाल के, कहते हैं किसी ने बज्जर कुरैत कर ली। ध्यान से सुनना, बज्जर कुरैत होती बहुत बड़ा पाप। चार बज्जर कुरैतें कही गई हैं अमृत चकाते वक्त के, ये मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पराय स्त्री का संग बज्जर कुरैत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ने बज्जर कुरैत कर ली, कोई बहुत बड़े पाप हो गया, बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत पाप कर लिए कि अब नरकों में ही जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते कोई गुरमुख उसे समझा के बुझा के संगत में ले आए। बाबा नंद सिंह जी के वचन, किसी प्रकार वो संगत में आ गया, किसी के कहने पर या उसके कर्म गुरु की कृपा जाग गए, आके बैठ गया। कहते गुरु की उस पर खुशी हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत में आके बैठ गया, और अगर उसने वो कानून फॉलो कर लिए जो संगत के हैं, मर्यादा में रहा, जो अपराध बाहर किए अंदर नहीं किए उसने, ध्यान से समझना इस बात को, बाहर पाप किए हैं पर किसी वजह से संगत में आके बैठ गया सत्संगत में, कहते गुरु नानक सारे पाप बख्श देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक इतना प्रसन्न हो जाता कोई सत्संगत में आके बैठ जाए तो, सारे पाप बख्श देगा, बशर्ते इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आके पाप ना हो जाए। ध्यान से समझना, बाहर के हजारों किए हुए पाप गुरु नानक यहाँ पर बख्श देता है, जो यहाँ पर आता है उसके चरणों में सत्संगत में बैठता है, पर कोई यहाँ पर पाप कर ले कहाँ जाके बख्शाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए इस सत्संगत का टॉपिक बहुत ज़रूरी, बड़ा बारीक है, बड़े ध्यान से सुनने वाला, कि जो गलतियां हम बाहर करते हैं, कम से कम सत्संगत होती क्या, सत्संगत एक स्कूल है, यहाँ पर हम सीखते हैं काम पे क्रोध लोभ ओंकार पे काबू पाना, यहाँ पर हम सीखते हैं कैसे जीना। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे पहली क्लास है कि यहाँ पर कम से कम सही चल रहा है सत्संगत में, पहली क्लास, हम तो वो भी शायद पार नहीं कर पाए। अगर हम डिटेल में जाएंगे जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है सत्संग के बारे में, तो मुझे लगता है हम तो वो भी पार नहीं कर पाए। और सेकंड स्टेप है कि जो जीवन यहाँ पर अभी दिख रहा है बाहर भी वैसा ही हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कम से कम इतना तो हो जाए, क्योंकि यहाँ पे किया हुआ पाप कहाँ जाके बख्शाएंगे। कहावत है ना कि बाहर पाप किए गंगा में जाके धो लिए, गंगा में करेंगे तो कहाँ धोएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने का भाव सत्संगत में मर्यादा सीख लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत सारे टॉपिक थे मेरे पास लेने के लिए, और मुझे सबसे ज़रूरी ये टॉपिक लगा सबसे। हम बात कर रहे हैं नाम के रस की, हम बात कर रहे हैं श्वास श्वास सिमरन की, हम बात कर रहे हैं बंदगी की, दर्शनों की, पर अगर सत्संग करने का तरीका ही नहीं आया तो वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, गुरु साहब जी हमें समझा रहे हैं, हम समझ जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरे गुरु नानक कह रहे हैं, गुर के शब्द मन जीतिया, गत मुकत करै में पाए, हर का नाम ध्याय है, सतसंगत मेल मिलाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुर के शब्द मन जीतिया, सत्संगत में आके क्या होता है, शब्द का जाप, इससे क्या होता है, मन काबू में आ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द गुरु शब्दी ए मन होड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर का नाम ते आइए, सत संगत मेल मिलाए, संगत में बैठ के नाम जप तेरा मन काबू में आ जाएगा, मन जीते जग जीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राम मेरा मन हर सेती राते, सत संगत मिल राम रस पाया, हर राम में नाम समाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत संगत मिल राम रस पाया, नाम का रस सत्संगत से ही प्राप्त हो सकता है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। जिथे को नाम बखाणिए, बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है कि सत्संगत है क्या, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद देव जी महाराज के पास, गुरु अंगद देव जी महाराज के पास एक सिख आया जिसका नाम इतिहास में आया है भाई केदारी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, भाई केदारी। संगत में बैठा है, दर्शन कर रहा है, बड़ी दूर से आया था, हर साल आता था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुरातन जमाने में लोग दूर दूर से चल कर आते थे, गाड़ियों के साधन नहीं होते थे, तो साल में एक बार या बहुत कोई हो गया दो बार आता था अपना दसवंद लेकर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी श्रद्धा प्रेम से पैदल चल कर आते थे लोग नाम जपते हुए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज के दर्शन करके मन को शांति मिल रही है। जब जाने का समय आया, माथा टेका गुरु अंगद देव जी महाराज के चरणों में, तो गुरु अंगद देव जी कहते हैं भाई केदारी जो पूछना चाहते हैं पूछ ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी दूर से आया फिर कब आएगा, साल के बाद, छः महीने बाद, मन की शंका निवृत्त कर ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घबरा रहा था, पूछ नहीं रहा था, पर अंतर्यामी पातशाह ने खुद कह दिया पूछ ले। कहने का पातशाह जहाँ से मैं आया हूँ दुकान है, दुकानदारी करता हूँ, ईर्ष्या भी होती है, निंदा भी होती है, दुनिया में जितनी भी आग लगी हुई है उसमें मैं भी जल रहा हूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गृहस्थी हूँ, क्रोध भी आ जाता है, मन दुखी रहता है, मन शांत नहीं रहता, जैसे आपके अब दर्शन कर रहा हूँ तो मन शांत है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये शांति बाहर जाकर ख़त्म हो जाती है, कोई रास्ता बताइए कि ये शांति परमानेंट मिल जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये हमारी भी तो अवस्था है ना साथ संगत जी, इस वक्त कैसे लगता है स्वर्ग में बैठे, बाहर जाते हैं फिर से वही सब कुछ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इसका परमानेंट सॉल्यूशन है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे को लगता है गुरु ने आप सबको तो दे दिया है, गुरु मेहर करे हमेशा बना रहे वो सॉल्यूशन। गुरु अंगद देव जी महाराज ने बड़ा प्यारा सवाल भाई केदारी से पूछा, कहने की तू क्या कहता है, मन जल रहा है ना आग में, संसार की आग में मन जल रहा है, तृष्णा की, लोभ की, लालच की, ईर्ष्या की, निंदा की आग में जल रहा है। मन कहने लगे हाँ मैं निंदा भी करता हूँ, मुझे ईर्ष्या भी होती है, दूसरे की दुकान ज़्यादा चलती है, तो ये सब होना नहीं चाहिए मुझे पता है, पर होती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन जलता रहता है, मन को शांति मिल जाए। गुरु अंगद देव जी कहने लगे एक बात बता, जब जंगल में आग लगती है तो हिरण किस तरफ भागता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब जंगल में आग लगती है तो हिरण किस तरफ भागता है, तो भाई केदारी कहने लगा पाचा नदी की तरफ या तालाब की तरफ जहाँ पानी है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे बिल्कुल ठीक, जब जंगल में आग लगती है हिरण भागता है पानी की तरफ, क्योंकि आग से बचा सकता है पानी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मन की आग को बुझा सकता है नाम का अमृत, वो मिलता है सत्संगत में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज का नेम बना ले सत्संग करना है अपने पास की धर्मशाला में। पुराने जमाने में ना गुरुद्वारा नहीं कहते थे, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो धर्मशाल कहते थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द भी है ना कार कार अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा विसोवा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह जहाँ भी जाते थे
उपदेश देकर कहते थे यहाँ पे धर्मशाल बनाओ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जहाँ पर रोज सुबह अमृत वेले संगत जुड़ के उठ के नाम जपे। सुनिए ध्यान से, धर्मशाल बनाओ, धर्मशाल का अर्थ क्या है? जहाँ पर संगत अमृत वेले, उस गांव की संगत इकट्ठी होकर नाम जपे साथ में बैठकर, और कोई भी राहगीर आता जाता दूर से रास्ते में, उसे खाने के लिए भोजन और रहने के लिए जगह मिले बिना किसी पैसे के, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कहते हैं वो सच्ची धर्मशाला है। अभी आप अंदाजा लगाओ आज के जमाने में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। गुरुद्वारे में कहाँ हो रहा है अमृत वेला, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर अमृत वेला नहीं, वो धर्मशाला नहीं जहां संगत अमृत वेले ना जुड़े। बड़े सख्त लफ्ज लिखे हुए गुरु नानक पाशा के जन्म साखी में कि जिस गुरुद्वारे में, जिस धर्मशाल में अमृत वेले उठ के संगत नहीं जुड़ती, गुरु नानक पाशा के बच्चे ने कोई मुझसे नाराज नहीं होना, जिस धर्मशाल में अमृत वेले संगत नहीं जुड़ती उसे गिरा दो, कब्रिस्तान बना दो, कम से कम किसी के दफनाने के काम आ जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने सख्त लफ्ज लिखे हैं कि अगर गुरुद्वारा है, धर्मशाल है, तो अमृत वेला होना लाजमी है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आते जाते राहगीर को खाने के लिए भोजन और रहने के लिए स्थान मिले बिना किसी दाम के, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज कहने लगे, हिरण भागता है पानी की तरफ जब जंगल में आग लगे, जब मन में आग लगी चले जाओ सत्संगत में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो रोज नित्यनेम से सत्संग करेगा, कहने लगे कल युग की अग्नि, ये जो ईर्षा बखील निंदा उसके मन को असर नहीं करेगी, जलती अग्नि में भी उसका मन शांत रहेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा को तो उपदेश दे दिन में दो बार सत्संग करने का, सत्संगत करने की। सारे गुरुओं का उपदेश है ये, सारे भक्तों का उपदेश है, सारे महापुरुषों का उपदेश है। ठीक है, हम दो बार गुरुद्वारे नहीं जा सकते अगर, और वो भी तब लिखा है अगर 20 कोस पर गुरुद्वारा हो। सुनना गुरु नानक पाशा के वचन, अगर 20 कोस पर गुरुद्वारा है दिन में दो बार संगत करो, और यहाँ पर कम से कम अमृत वेला संभाल लो, बाकी दिन में रह रहा है सब जी का समय घर में कर लो, दो लोग मिलके कर लो, सत्संगत है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो सके तो गुरुद्वारे में जाओ, नहीं हो सके तो घर में बैठकर करो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन मान लो, बात तो वचन मानने की है ना, गुरु कह रहे हैं ऐसे कर लो, हम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर दवाई खाने के लिए कह रहे हैं, हम दवाई हाथ में लेके बैठे रहे, खाए नहीं और बोले डॉक्टर सही नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो जुगतियां गुरु अंगद देव जी महाराज ने दी है कमाल की है, मन शांत हो जाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर सत्संगत कौन सी? सत्संगत कैसी जानिए, जिते को नाम बखानिए। सत्संगत कैसी जानिए, जिते को नाम बखानिए। सत्संगत कैसी जानिए, जिते को नाम बखानिए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन भाई नंदलाल जी, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से सवाल किया, पाछा सत्संगत करने के नियम कानून बता दो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई नंदलाल जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कह रहे, पाछा सत्संगत कैसे करते हैं?
ज्ञान दे दो ताकि हमसे भूल ना हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सत्संगत हजारों पाप बख्शा सकती है तो यहाँ पे गलती की सजा कैसी होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम वो गलती ना करें सत्संगत में, ज्ञान दे दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से यहाँ पे सवाल जवाब किया है, बड़ा प्यारे प्रश्नोत्तर है, सवाल जवाब, सवाल जवाब। भाई नंदलाल जी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रश्न भाई नंदलाल जी, वाक श्री गुरु गोविंद सिंह जी, दोहरा ध्यान से श्रवण कीजिए। प्रश्न किया नंदलाल जी, गुरु बताइए मोहे, गुरु बताइए मोहे, कौन कर्म इन जोग है, कौन कर्म नहीं सोहे, कौन कर्म नहीं सोहे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, भाई नंदलाल जी हाथ जोड़कर सवाल कर रहे हैं, हमें ज्ञान दीजिए कि सत्संगत में कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जवाब दे रहे हैं, श्रवण कीजिए। नंदलाल तुम वचन सुनो, नंदलाल तुम वचन सुनो, सिख कर्म है नाम दान इशनान बिन करे नान सुने, करे ना अन सुने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहली पंक्ति सत्संगत में आने से पहले की, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब घर से चलते हैं बिना स्नान किए, बिना नितनेम किए, मुंह में अन्न का दाना ना डाले सिख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये घर से निकलने के पहले की बात गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बता रहे हैं। हम सत्संग की तरफ जा रहे हैं, आने से पहले का तरीका, ये तो गुरु नानक पाशाह के वचन है ना, कि बिना श्री जपजी साहब जी का पाठ किए हुए कोई मुख को अन्न का दाना लगा ले वो मेरा सिख नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बात ही खत्म कर दी। प्रबाणी तो कहती है ना, जो कुकर जूठन में पाहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिले मेरे गोविंद अपना नाम दियो, नाम बिना त्रिग त्रिग असने हो, नाम बिना जो पहले खाए जो कुकर जूठन में पाए। बिना नाम जपे जो पहले खा ले, जैसे कुत्ता जूठे बर्तन में खाता है वैसी हालत है उसकी। पाछा कह रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मन में प्रण कर लो, बैठे हो ना, कि आज के बाद महापुरुषों से किसी ने सवाल किया था पाछा, पानी भी ना पिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे हो सके तो मत पियो, पर अगर तबीयत खराब है, कोई कारण है, प्यास लगी है, मन नाम में नहीं जुड़ रहा, तो पहले पानी पी लो। पर भोजन का एक किनका भी बिना नाम जपे नहीं जाना चाहिए, और अगर हो सके कैपेसिटी है तो नाम जपे बिना पानी भी मत पियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कम से कम एक जपजी साहब जी का पाठ कर लो। अगर चाय पीने का मन है, सुस्ती आ रही है, कुछ हो रहा है नित्यनिम से पहले, एक जपजी साहब जी का पाठ कर लो, उसके बाद फिर कुछ पीना हो, खाना हो, चाय पीनी हो, तो फिर भी ठीक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों वचनों पे फूल चढ़ाना कहती है इसे, ठीक है पूरा नित्यनियम करिए बिना हम नहीं कर पा रहे, कम से कम थोड़ी बाणी पढ़ के तो गुरु के वचन तो मान लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज जितने भी यहाँ बैठे, जितने भी टीवी में देख रहे हैं, लाखों लोग, सबके चरणों में बेनती के हाथ खड़े करके आज प्रण करो कि बिना जपजी साहब जी का पाठ किए हुए हम मुख में अन्न का दाना नहीं डालेंगे आज के बाद। बोले सोनिहार,
गुरु नानक मेर करे, ताकत वो देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिर्फ एक जपजी साहब जी के पाठ की तो बात की है, गुरु के वचन मान लो, खुशी तभी है ना इसकी। ये बैठा देख रहा है कि कौन मन से कह रहा है कि आज आज के बाद मैं भोजन नहीं खाऊंगा जब तक जपजी साहब जी का पाठ नहीं कर लेता। गुरु की खुशी मिल जाएगी, दुख कट जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नदर हो जाएगी। सत संगत कैसी जानिए, जिते को नाम बखानी। सत संगत कैसी जानिए, जिते को नाम बखानिए। नाम दान इशनान बिन करे ना अनस्यो ने, इशनान गुर सतगुर का जो सिख खाए सो पालके, उठ हरे नाम ते आवे, उद्दम करे पालके प्रभाती, इशनान करे अमृत सरनावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। इशनान बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि भाई साहब हम इशनान नहीं कर पाते, तो पांच इशनान करके हाथ पर मुँह धो के कर सकते? कर सकते हैं, नाम जपना ज़्यादा ज़रूरी है, पर इशनान का फल अपना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर इशनान जीवन में नहीं है, पांच स्नान करके कर रहे हैं, परवान है सब, नाम जपा तो एक बार कैसे भी परवान है, पर स्नान करने से मन बहुत जुड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे स्नान करने से और मन जुड़ता है? केशों के साथ स्नान करने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब नाम जप तो इसलिए रहे ना कि मन जुड़े, आनंद आए, दो मिनट का आलस होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तभी बाबा नंद सिंह जी भजन करते थे, नहीं ये वचन बाबा नंद सिंह जी के नहीं है, महापुरुषों के है किसी के, तीन लोगों को माफ़ी होती है, बच्चा, बुजुर्ग और बीमार। ना नहाने की, अमृतला ना करने की नहीं, केवल ना नहाने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृतला ना उठने की माफ़ी किसी को भी नहीं है। कहते थे 6 साल के बाद बच्चे की जिम्मेदारी माता पे है कि उसे उठा के बिठाना ही है, नहीं बिठाती माता दोषी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचती बच्चा सो ले, माता दोषी है, स्कूल जाने से पहले कम से कम थोड़ा नाम जपा दे, स्नान करते करते जब जब जी का पाठ उसे खुद सुना दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये माता के फर्ज हैं, फिर बड़े होके पछताना नहीं पड़ेगा, आके कहना नहीं पड़ेगा कि भाई साहब बच्चे कहने नहीं मानते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय संभाला नहीं, अब क्या हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर बड़े लंबे प्रोसीजर हैं, ये शॉर्टकट है, पहले से अपने बच्चों को नाम से जोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी माता बैठी है, मैं छोटा था, नाश्ता नहीं देते थे जब तक श्री जपजी साहब जी का पाठ ना हो जाए, तो कई बार मैं रूठ के बैठ जाने के नहीं दो मैं भी नहीं खाता, तो वो खुद भी नहीं खाते थे पर देते नहीं थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि जब तक जपजी साहब जी का पाठ नहीं कर लोगे नहीं मिलेगा नाश्ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बचपन से जो संस्कार अंदर चले जाएं वो रंग लाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये माँ का फर्ज है, छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें पल्ले बांध लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम दान इशनान बिन करे ना अनस्यो ने। आगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं एक एक कानून सत्संगत का। प्रातः काल सत्संग न जावे, प्रातः काल सत्संग न जावे, तनखादार बहु बड़ा कहावे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले, प्रातः काल अमृत वेले को कहते हैं। अमृत वेले उठ के सत्संग में नहीं जाता, तनखादार बहुत बड़ा कहावे। तनखादार कहते हैं सजा का हकदार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे सजा मिलनी हो उसे तनखा कहते हैं पंजाबी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसे तनखा लगा दो भाव, इसे सजा लगा दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं बड़ी सजा का हकदार है अगर अमृत ले उठ के सत्संग में नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सत्संग में जाने के पहले के कानून, क्या अमृत ले उठे, स्नान करे, नाम जपे, नित्यनेम करे, फिर सत्संग की तरफ चले, और अगर नहीं आता सत्संग में
तो बड़ा दोषी है, बड़ा सजा का हकदार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जितना समा बीत गया बीत गया, अब संभाल लो। रैन गई मत दिन भी जाए, भंवर गए बग बैठे आए, संभाल लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात बीच में याद आ गई, ये प्रकरण काफ़ी बड़ा है, कल भी इसे कंटिन्यू करेंगे गुरु मेहर करें। आज बाबा ईश्वर सिंह जी का, बाबा ईश्वर सिंह जी की बरसी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी, जिन्होंने बाबा नंद सिंह जी के बाद सेवा संभाली, जिन्होंने बाबा नंद सिंह जी की सेवा ऐसे की साथ संगत जी, इतनी कमाई वाले महापुरुष, मेरे पास लफ्ज नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कहीं भी जाते हैं, सेवा पे भी जाएं, तो सबसे पहले क्या लेते हैं? कमरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि रात को आराम कहाँ करना है, स्नान कहाँ करना है, कपड़े कहाँ रखने हैं। बाबा नंद सिंह जी की सेवा में सारा जीवन बिता दिया, इतनी सेवा की कि हाथों के नाखून खत्म हो गए, इतनी सेवा, और उनका कोई कमरा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे 24 घंटे बाबा नंद सिंह जी के कमरे के बाहर, जहाँ भी बाबा नंद सिंह जी भक्ति कर रहे हैं, बोरा हो कहीं हो, दीवार पर पीठ लगा के बैठे रहना या खड़े रहना, बैठ जाना पीठ लगा के, उसको वो आराम कहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो खड़े ही रहना। बाबा नंद सिंह जी की सेवा में ऐसी एक मिकता हो चुकी थी कि एक बार बाबा नंद सिंह जी को प्यास लगी, मन में प्यास लगी कि प्यास लगी है, बाबा ईश्वर सिंह जी को आवाज़ दें, ईश्वर पानी ले आ। उससे पहले बाबा ईश्वर सिंह जी पानी का गिलास लेके सामने खड़े हो गए। अच्छा, प्यास लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी इतनी मेर भरी निगाह से देखा कि अब सेवा इसकी सफल हो गई है, मन की तार मन से जुड़ गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो बाबा ईश्वर सिंह जी मेरी नानी मासी है, अभी वो नहीं रहे, कुछ समय पहले उन्होंने श्वास छोड़े। वो कहते हैं कि मैंने ये घटना अपनी आंखों से देखी, एक होती सुनी सुनाई बात। खेतों में हजारों की तादाद में संगत बैठी, बाबा ईश्वर सिंह जी प्रवचन करने आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको पता है खेतों में बहुत सब मेंढक होते हैं, टर टर करते रहते, कभी आपने सुना है? मैंने सुना है। जब यहाँ ज़्यादा मेंढक होते इतनी आवाज़ करते हैं कि आप बात भी नहीं कर सको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजारों की तादाद में मेंढक खेतों में, संगत बैठी है, शाम का समय है, और मेंढकों ने शोर मचा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी नानी मासी वो कहते हैं कि मैं वहाँ बैठी हुई थी, जो मैंने ये घटना अपनी आंखों से देखी, सुना था पर अपनी आंखों से देखा। कहते काफ़ी देर तक सब इंतजार करते रहे कि मेंढक खामोश होंगे, पर मेंढक कहाँ चुप होने वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अपना चिल्लाते जा रहे, शोर मचा हुआ है, बाबा ईश्वर सिंह जी बोले तो आवाज़ आई नहीं किसी को। तो बाबा ईश्वर सिंह जी ने क्या किया, कहने लगे सुनो मेरी बात। मेंढकों से कहने लगे, जानते हम कि आप हाजिरी लगा रहे हो अपनी, बाबा ईश्वर सिंह जी कहते हैं कि आप अपनी हाजिरी लगा रहे हो, पर अभी हमारा समय, हमें बोल लेने दो, उसके बाद आप लोग बोल लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते बाबा ईश्वर सिंह जी के ये वचन बोलने की देरी थी, नानक सर कलेरा वाली बाबा ईश्वर सिंह जी, ये वचन बोलने की देरी थी कि अब हमारा समय, हमें बोल लेने दो, उसके बाद आप लोग बोल लेना। सारे मेंढक एकदम चुप कर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लख 84 मेदिनी सब सेव करंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है जो निरंकार से एकमिक हो गए हो, जिनका हर श्वास वाणी से घिस कर चलता हो, पूरन संत उनका कहा हुआ दरगाह में चलता है, उनका कहा हुआ 84 लाख जोनियों पर चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी मासी कहती है मैंने सुना तो था पर अपनी आंखों से देखा कि एक सेकंड में सारे मेंढक एकदम चुप कर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी कमाई वाली बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज की आज बरसी है, बहुत सारी दुनिया में बड़ी तरह से मनाई जा रही है, पर हम गुरु साहब जी ने तो हमें ये दिन ही ऐसे दे दिए कि सब कुछ बीच में आ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी बाबा ईश्वर सिंह जी के बारे में एक बात कहा करते थे बड़ी कमाल की, आओ तो पंक्तियां भी पढ़ लें बाबा ईश्वर सिंह जी की याद में साथ साथ में। म
मधु साधु जन देहु मिलाए, 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 मधु साधु जन देहु से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें तो बाबा नंद सिंह जी भी बाबा ईश्वर सिंह जी के थ्रू मिले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरी नानी ने संगत की बाबा ईश्वर सिंह जी की, घर मिला बाबा नंद सिंह जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी एक बात कहा करते थे अक्सर, कहते इस समय कलयुग में, इस समय एक यही लड़का है, इसे लड़का कह के बुलाते थे, नाम था इनका इंदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंदर सिंह, बाबा नंद सिंह जी आवाज़ देते, इंदर दौड़ के आ जाते, कहने लगे अपना नाम बदल ले, पाशा आप ही रख दो। कहने लगे जब तुझे बुलाते ना इंदर, इंदर देवता हाथ जोड़कर आकर खड़ा हो जाते सामने, सेवा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम नहीं देखना चाहते, हम नहीं चाहते कोई सेवा उससे, तेरा नाम ईश्वर कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बाबा ईश्वर सिंह जी का नाम इंदर से बाबा ईश्वर सिंह जी रखा बाबा नंद सिंह जी ने। बाबा नंद सिंह जी कमाई का अंदाजा लगाओ, आवाज देते हैं इंदर, इंदर देवता हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी के बारे में कहते थे ये एक ऐसा लड़का है, इस समय कहने लगे, जिसे आप कह सकते हो निष्कलंक, निःकलंक, निष्पाप, इसके मन में आज तक किसी के प्रति किसी भी तरह का पाप आया ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी के बारे में बुरा ख्याल होता क्या है इसे यही नहीं पता, इतना निष्पाप है ये ईश्वर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी, एक बड़ी प्यारी घटना है, बहुत सारे लोगों को ना बाबा नंद सिंह जी के जाने के बाद ना होता है ना, महापुरुष चले जाते हैं, दूसरे कोई आके सेवा संभालते हैं, तो मन नहीं मानता कि ये वही ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो एक बड़ी प्यारी घटना है, बाबा ईश्वर सिंह जी नानक सर कलेरा में बैठे, अचानक सेवादारों से कहते गाड़ी निकालो। पटियाले के राजा ने बड़ी गाड़ी दी हुई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ड्राइवर के साथ गाड़ी निकाली फटाफट, कहने के देहरादून चलना है जल्दी। 5-7 सेवादार साथ में लिए और गाड़ी में बैठ के देहरादून की तरफ चल पड़े, नानक सर कलेरा से लुधियाना के पास से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और देहरादून पहुंचे और एक चौराहा आया, वहां गाड़ी रुकवा दी, कहने के बस यहां रुक जाओ, और बाहर उतर के चलने लगे, सैर करने लगे, कभी लेफ्ट कभी राइट, किसी का इंतजार कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी सेवादारों ने सोचा भी यहाँ पे किसका इंतजार कर रहे हैं, ना कोई यहाँ पे अपना सत्संगी का घर है, ना यहाँ पे किसी का कोई आया है, ना कोई इंतजार कर रहा है, ना कोई संगत है, यहाँ पे क्यों रुके हैं महापुरुष। कुछ देर में एक अर्थी आई वहां पर, एक अर्थी, बाबा ईश्वर सिंह जी उस अर्थी के साथ हो लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बूढ़ी माई की अर्थी, कुछ लोग उसके साथ हैं, अत के गरीब लोग हैं साथ में, कुछ ही लोग हैं गिनती के। बाबा ईश्वर सिंह जी अपने सेवादारों के साथ अर्थी के साथ गए, शमशान घाट गए, उसे अपने हाथों से अग्नि दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वापस आ गए सेवादार सब हैरान। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने के पूछ लो जो पूछना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बाबा ईश्वर सिंह जी ने जो बात बताई, अब ये कौन बता सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे ये वो माई है, बाबा नंद सिंह जी जब देहरादून गए थे, बाबा नंद सिंह जी देहरादून बहुत जाते रहते थे, गर्मियों के समय
पहाड़ों में देहरादून सलोगढ़ा यहाँ चले जाते थे नाम जपने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनका स्थान भी है वहाँ पर। कहते बाबा नंद सिंह जब देहरादून आके ठहरे थे तो ये गरीब माई आई, एक बहुत गरीब, कपड़े भी फटे हुए, कुछ भी नहीं है इसके पास, संगत में दूर खड़ी है, डर रही है, पास में आई, बेनती करने लगी मैं आपकी सेवा करनी चाहती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी से, बाबा नंद सिंह जी ने इसकी तरफ देखा, कहने की क्या सेवा करेगी माई, कहने की मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़े से मेरी आमदनी है, पर मेरा मन है मैं आपकी सेवा करूँ, जितने दिन भी आप रुके हो मैं एक पाव दूध रोज ला के आपको पिलाऊँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पाव दूध रोज लेके आऊँ, आप पी लेना, बस मेरी ये इच्छा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब अनंत सिंह जी इसकी गरीबी, इसकी भावना, इसकी विनम्रता देखकर हाँ कर दिया कि तू ले आया कर रोज दूध। जितने दिन बाबा नंद सिंह जी वहां पर रहे, ये माई रोज दूध लेके आती एक पाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी पीते हैं, बड़े बड़े राजे महाराज पदार्थ आगे पीछे लेके घूमते हैं, बाबा नंद सिंह जी इतना सा प्रसादा खाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इस माई का एक पाव दूध पी रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब जाने का समय हुआ, कुछ दिन इसने सेवा की बड़ी प्रेम भावना से, बुजुर्ग माई है, बड़ी दूर से चल के आती है, दूध लेकर आती है लोटे में, बाबा नंद सिंह जी पीते। जब जाने लगे, बाबा नंद सिंह जी कहने लगे तेरी सेवा से हम बहुत खुश हैं, तूने बड़ी भावना से प्रेम से सेवा की, तेरी समर्था भी नहीं तब भी तूने दूध पिलाया, कुछ मांगना है तो मांग ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये माई, हमारी जगह कोई होता तो गरीब है तो क्या मांगता, बहुत सारा धन दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीब आदमी को तो एक ही मांग होती है ना कि पहले गरीबी खत्म हो जाए, पर इस माई को सुमत थी, ज्ञान था। बाबा नंद सिंह जी कहने लगी बस मेरी एक ही मांग है कि मेरा अंत समय संभाल लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब मेरी मौत हो आप मेरे पास हो, मेरी चिखा को आग आप दो, तब मुझे तो फिर किसी चीज़ का डर ही नहीं, धर्मराज मेरा लेखा ही नहीं पूछेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके पास महापुरुष आ जाए, कौन है उसका हिसाब लेने वाला। गुरु नानक पाशाह ने एक उंगली की थी, देवता लेने आ गए थे चोर को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिखा की तरफ इशारा किया था, और यहाँ पर महापुरुष अपने हाथों से अग्नि दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने, पूर्ण महापुरुष जानते थे कि उस समय तक तो हमने रहना ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहे लेकिन निरंकार बहुत शक्ति वाला है, निरंकार की ताकत अपार है, निरंकार भली करेगा, ये वचन कर दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं कहा कि हम वचन देते हैं हम आएंगे हम ऐसा करेंगे, नहीं, निरंकार की ताकत अपरंपार है, वो भली करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाबा नंद सिंह जी शरीर छोड़ गए उसके बाद, कुछ समय बाद, और ये घटना बाबा नंद सिंह जी के जाने के 8 साल बाद की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वचन दिए बाबा नंद सिंह जी ने कि निरंकार की ताकत अपरंपार है, पूरे किए बाबा ईश्वर सिंह जी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी क्या फर्क रह गया बाबा नंद सिंह जी बाबा ईश्वर सिंह जी, अपनी जगह उसे भेजा कि जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने वचन दिए थे कि समा संभालेंगे, तू जाके संभाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे बाबा ईश्वर सिंह जी ने कलंकी सेवा के पुंज। एक बार कोई राजा, मुझे नाम नहीं इस वक्त याद आ रहा, बाबा ईश्वर सिंह जी बाबा नंद सिंह जी के लिए भोजन बनाते थे ना, एक राजा आ गया, बाबा नंद सिंह जी कहने लगे इन्हें भोजन खिलाओ, तो बाबा ईश्वर सिंह जी ने कहते हैं उस वक्त कद्दू की सब्जी बनाई, जो नाम सुन के सब छोड़ देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कद्दू की सब्जी बनाई और राजा को खिलाई रोटी के साथ, एक तो राजा महाराजा कद्दू की सब्जी रोटी के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर महापुरुषों के सामने थाली में ला के दिया तो उसे खाना पड़ेगा। जैसे ही एक ग्राही एक बुरकी मुख में डाली, राजा हैरान हो गया, इतना स्वाद, इतना स्वाद। जब बाबा ईश्वर सिंह जी थाली देके गए तो बाबा नंद सिंह जी से राजा कहता है कि ये रसोईया मुझे दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाता है, कद्दू भी इतना स्वाद हो सकता है, असल में स्वाद तो था नाम का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी की इतनी कमाई, इतनी सेवा कि एक उंगली लग जाए तो चीज स्वाद हो जाए। उनके हाथों से बना हुआ भोजन एक ग्रह खा के वो कहता है रसोईया मुझे दे दो।
कितने तनख्वाह लेता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे आप उससे पूछ लो अगर जाता है तो ले जाओ। कहने लगे हम 4 गुना 10 गुना तनख्वाह दे देंगे उसे, हमारे साथ चल पड़े। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे ईश्वर तुझे ले जाना चाहते तनख्वाह भी 10 गुना देंगे, चला जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी राजा को क्या पता कि बाबा ईश्वर सिंह जी के धन के लिए यहाँ बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी के जीवन की एक घटना आती है, ये तो कोई मानने को भी तैयार नहीं होगा आज के ज़माने में। एक अंधे को भी नोट दो ना तो उसे पता होता है 5 का है कि 10 का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो ऐसे हाथ में पकड़ के बता देगा कितने का नोट है, अंधे को भी पता होता है। बाबा ईश्वर सिंह जी के सामने किसी ने 5 रुपये का नोट रख दिया, क्योंकि नानक सर की मर्यादा कोई पैसे नहीं चढ़ाता वहाँ पे, गोलक नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह ने किसी ने 5 रुपये का नोट रख दिया तो वो उठा के सेवादार से पूछते भाई ये क्या चीज़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो बाबा ईश्वर सिंह जी जिनके कुर्ते में जेब नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम लोग तो बनियानों में भी जेबें लगा के घूमते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे नहीं उनका नाम लिया जा रहा, ऐसे नहीं सारा जगत उनकी उस्तत उनकी पूजा कर रहा है। जीवन, कमाई, कैरेक्टर, और जब जाना था शाम का वक्त उस दिन महापुरुष थे, पूरा ज्ञान था जाना है। स्नान करके नानक सर को जो जो भी बनाया था अच्छे से देखा, सबको जो खास थे उनसे मिले, फिर अपने कमरे में जाके चादर अपने ऊपर ली और सबको ऐसे फतेह बुलाई, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, और चादर मुख पर लेकर चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शाम को 7:13 का समय था, 13 की गिनती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चले कहाँ गए वो? शरीर गया, महापुरुष जाते नहीं, जन्म मरण दो में नाही, जन परोपकारी आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जी दान दे भक्ति लाइन हर्षो लाइन मिलाए, उनका एक ही काम होता है भक्ति से जोड़ देना जो आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। बोलिए धन बाबा ईश्वर सिंह जी, धन बाबा ईश्वर सिंह जी। साधु जन दे हो मिलाए, माधु 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 साधु जन दे हो साधुओं की मांग की है वाणी में कि ऐसे साधु को मिला दे, ऐसे साधु से मिला दे जिन्होंने अपने मन को साध लिया हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माधो साधु जन दे हो मिलाए, माधो साधु जन दे हो मिलाए। जो साधु मोहे मिले हो तिन लिया अंचल लाए, एक जो साधु मोहे मिले हो तिन लिया अंचल लाए, एक जो साधु मोहे मिले हो तिन लिया अंचल लाए, साधु मोहे मिले हो तिन लिया अंचल लाए, एक जो साधु मोहे मिले हो तिन लिया अंचल लाए। कभी
नहीं सहे आजा, जम का ठेंगा बुरा है ओह नहीं सहे आजा। धन गुरु नानक। आज का टॉपिक था सत्संगत, कल भी यही टॉपिक लेंगे क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू हैं और ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सत्संगत कैसे करनी है और सत्संगत कैसे नहीं करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत में आके क्या करना है क्या नहीं करना है, इन कानूनों को समझना अत्यंत ज़रूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करें, गुरु मेहर करें। सत्संगत कैसी जानिए, जिथे को नाम बखानिए। सत्संगत कैसी जानिए, जिथे को नाम बखानिए। सत्संगत कैसी जानिए, जिते को नाम बखानिए। सत्संगत कैसी जानिए, जिते को नाम बखानिए। एको नाम हुकम है, एको नाम हुकम है, एको नाम हुकम है। सतगुर दिया बुझाए जियो, 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 सतगुर दिया बुझाए जियो। सत्संगत कैसी जानिए, जिथे को नाम बखानिए। सत्संगत कैसी जानिए, जिथे को नाम बखानिए। सत्संगत संगत कैसी जानिए, जिते को नाम बखानिए। सत्संगत कैसी जानिए, जिते को नाम बखानिए। सत्संगत कैसी जानिए, जिते को नाम बखानिए। सत्संगत कैसी जानिए,
नाम वखाणिए जिथे को नाम वखाणिए सतसंगत कैसी जानिए जिते को नाम बखानिए सतसंगत कैसी जानिए जिते को नाम बखानिए धन।